हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक ब्लॉग मंत्रा मेरे साथ। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसे उनके सॉल्यूशन जो आपकी सीधा व्हाट्सएप चैट से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप चैट दोस्तों हम लोग आज के टाइम में बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, तो व्हाट्सएप चैट का हम इस्तेमाल करते ही करते हैं और बहुत सारी हमारी पर्सनल चैट होती है दोस्तों जो व्हाट्सएप के अंदर पड़ी रहती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो व्हाट्सएप चैट आपकी सिक्योर भी है या नहीं है, जिससे आप चैट कर रहे हैं वो व्हाट्सएप चैट सिक्योर है या नहीं है। अगर वो कहीं पर लीक हो जाए या उसका जो डाटा है वो कहीं पर लीक हो जाए तो उससे आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम इग्नोर कर देते हैं, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं और बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं ये। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं आरंभ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आप किसी की भी चैट ओपन करिए जिससे भी आप चैट करना चाहते हैं या चैट कर रहे हैं और उसकी चैट को आप देखना चाहते हैं कि वो सिक्योर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जो है वो ऊपर टैप करना है और नीचे आपको जाना है इंक्रिप्शन के ऑप्शन पर। यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा और नीचे भी आपको कुछ कोड्स दिखाई देंगे, न्यूमेरिक कोड आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यही जो कोड है ये आपको दूसरे बंदे के भी स्मार्टफोन के अंदर आपको चेक करना है कि उसके अंदर यहाँ पे आपको जो कोड हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या वही सेम कोड सामने वाले बंदे के पास भी सेम कोड आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ये कोड दोस्तों सेम नहीं है और नहीं मैच करते हैं तो आपकी चैट सिक्योर नहीं होगी, इसके आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर ये चीज़ें मैच नहीं करती तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्कैन कोड कराना है। नीचे आप स्कैन कोड का ऑप्शन देख रहे होंगे, तो स्कैन कोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दूसरे फ़ोन के जो QR कोड दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करना हो। जैसे अगर ग्रीन टिक आ जाता है आपके स्मार्टफोन के अंदर या उनके स्मार्टफोन के अंदर ग्रीन टिक आ जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये मान लेना है कि आपकी जो चैट है वो सिक्योर है, इंक्रिप्टेड हो गई है। अगर कोई ये चैट लीक भी हो जाएगी तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी, उनको इंक्रिप्टेड फॉर्म में ये मिलेगी और वो इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये करने से दोस्तों आपकी जो व्हाट्सएप चैट है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगी। तो अगर ये कोड जो है दोस्तों मैच नहीं करते आपके फ़ोन में भी और सामने वाले के फ़ोन में भी अगर मैच नहीं करते तो आपको व्हाट्सएप को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनसे बताना चाहिए कि ये हमारे व्हाट्सएप के अंदर दिक्कत हो रही है, उनका सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी कॉमन मिस्टेक रहती है वो रहती है हमारा व्हाट्सएप का बैकअप लेना। व्हाट्सएप चैट का हम बैकअप लेते हैं, वो हम लेते हैं दोस्तों गूगल ड्राइव पे। सेटिंग में आप जाएंगे वहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे आप देखेंगे चैट बैकअप का ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों हम क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे हम अपना जितनी भी चैट बैकअप है उसका डेली बैकअप लेते हैं या फिर ईयरली लेते हैं या मंथली लेते हैं और हम क्या करते हैं दोस्तों उस चीज़ का बैकअप लेके हम गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है दोस्तों। गूगल ड्राइव इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं मानी जाती क्योंकि वो काफ़ी हद तक हैक भी की जा सकती है और बहुत सारे जीमेल के अकाउंट हैं वो हैक भी हुए हैं, आपने देखा भी होगा। तो आप अपनी चैट को वहाँ पे डेली बैकअप के लिए मत डालिए, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जाइए और यहाँ पर आपको या तो नेवर सेलेक्ट कर दीजिए, उसका बैकअप लीजिए ही मत, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों ओनली व्हेन आई टैप ऑन बैकअप, यानी कि इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आप चाहेंगे तभी आप बैकअप ले पाएंगे, ये सेटिंग आपको सेट करनी है। तो यहाँ पे जब आप कभी अपना स्मार्टफोन जो है वो चेंज करते हैं या फिर व्हाट्सएप दूसरे स्मार्टफोन के अंदर डालते हैं और वहाँ पे आपको अपना बैकअप ट्रांसफ़र करना है, उसी टाइम पे अपना बैकअप लीजिए और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करने के बाद सेम नेक्स्ट स्मार्टफोन के अंदर भी ये सेटिंग वहाँ से हटा दीजिए ताकि आपका जो बैकअप है दोस्तों वो आपके फ़ोन में ही रहे, गूगल ड्राइव पर ना जाए। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने चैट की सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, अपने फ़ोन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके फॉलो करके वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक ब्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।